तो लास्ट मिस्ट्री वर्ल्ड गेम अनाउंस हो चुकी है जिसका नाम है पेडे 2। तो इस वीडियो में आपको इस गेम के साथ साथ इस साल आ चुकी सारी की सारी मिस्ट्री वर्ल्ड गेम के बारे में डिटेल में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट एपिक से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2023 के मिस्ट्री वर्ल्ड गेम में हमें सिर्फ 4 ही गेम्स देखने को मिली हर साल की तरह। वैसे तो कई सारे प्रेडिक्शन आ रहे थे कि इस साल हमें 4 से ज्यादा गेम्स देखने को मिल सकती थी, बट इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 ही गेम्स मिली हमें, जिसकी शुरुआत होती है डेथ स्ट्रैंडिंग से। डेथ स्ट्रैंडिंग काफी टाइम पहले फ्री आ चुकी थी, ये दोबारा रिपीट पे थी। रिपीट के होने के कारण लोगों को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, क्योंकि इस गेम को काफी टाइम पहले ही फ्री में दे दिया गया था और मोस्टली लोगों ने इसे काफी टाइम पहले ही क्लेम कर लिया था। सेकेंड वीक पे हमें मिस्ट्री वर्ल्ड गेम में फॉलआउट लास्ट वेगस मिली थी, जो कि 2010 की गेम है। ये गेम बेशक पुरानी है, बट इसकी जो स्टोरी लाइन है सारे फॉलआउट में सबसे बेस्ट गेम मानी जाती है। बट पुरानी गेम होने के कारण लोगों को ये गेम ज्यादा कुछ पसंद नहीं आई थी। बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने लास्ट वेगस नहीं खेला है एक बार जरूर ट्राई देना। ये गेम थोड़ी पुरानी जरूर लगती है, बट ये गेम काफी ज्यादा बढ़िया है। होप कि आपने इस गेम को जरूर क्लेम किया होगा। थर्ड गेम जो कि मिडनाइट गोस्ट हंट थी, ये गेम भी बाकी गेम्स की तरह एक एवरेज गेम थी, बट ये गेम मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगी थी क्योंकि इसमें मल्टीप्लेयर था जो कि देखने में काफी ज्यादा फन था, और साथ साथ में जब मैंने इस गेम को खेला तो ये काफी ज्यादा बढ़िया भी लगी। बट कुछ लोगों को ये गेम पसंद नहीं आई थी। अगर आप भी उन लोगों में हैं कि ये गेम बेकार है, तो आपको इस गेम को एक बार जरूर ट्राई देना चाहिए। गेम बहुत ज्यादा फन है, एक बार जरूर ट्राई देना। बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये गेम एकदम टॉप नॉच है, इस गेम में भी काफी ज्यादा खामियां हैं। तो हमारी लास्ट गेम है जो कि लाइव हो चुकी है, जिसका नाम है पेडे 2। ये गेम भी मिडनाइट की तरह एक मल्टीप्लेयर गेम है, इसमें आपको हाइस्ट करना पड़ता है। गेम 2013 की है। ये गेम भी मेरे को ठीक ठाक लगी, इसमें मल्टीप्लेयर था तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। बट ये साफ साफ दिख रहा है कि ये गेम इसलिए फ्री दी गई है ताकि पेडे 3 का प्रमोशन किया जा सके, क्योंकि पेडे 3 इस साल रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर दिखा दिया गया है। बट ये गेम हमेशा की तरह कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। मैंने बहुत से कमेंट में देखा था कि इस गेम को काफी लोगों ने काफी टाइम पहले ही परचेस करके खेल के सब खत्म कर दिया था, इसीलिए लोगों को ये पसंद नहीं आई थी। इस गेम की एक सबसे बड़ी दिक्कत है इस गेम का साइज, जो कि 83 GB का है, 2013 के गेम के हिसाब से बहुत ज्यादा है। आमतौर पे एपिक आखिरी गेम एक बढ़िया टाइटल देता था, बट इस बार कुछ खास गेम्स नहीं दिया है। आपको क्या लगता है इस साल की गेम्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर हम बाकी सालों से इस साल की गेम से कंपेयर करें तो ये साफ साफ पता लग रहा है कि एपिक का बजट काफी ज्यादा लो होता जा रहा है फ्री गेम से रिलेटेड। बट मैं इस चीज को लेकर शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि एपिक ने काफी टाइम पहले काफी ऐसी ऐसी टाइटल दी हुई है जो AAA टाइटल थी, जिन्हें मैंने क्लेम किया है और वो मेरी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, और उनमें से मैंने आधी गेम नहीं खेली है, जो कि GTA 5 से भी ज्यादा वर्थ रखती हैं। आई एम श्योर आपने भी कई सारे गेम को क्लेम जरूर किया होगा। अभी जो लोग एपिक से इतनी ज्यादा शिकायत कर रहे हैं कि एपिक हमें बढ़िया गेम्स नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग अभी अभी ज्वाइन किया होंगे, उन्हें अभी अभी पता लगा होगा कि एपिक हमें काफी बढ़िया बढ़िया टाइटल पहले ही दे चुका है, और अब लोगों को पता लग रहा है कि एपिक कई सारे AAA टाइटल फ्री में दे चुका है, जिसके कारण लोगों की भीड़ एपिक पे बढ़ती जा रही है। भीड़ बढ़ने के कारण एपिक गेम अपना बजट फ्री गेम्स रिलेटेड कम करता जा रहा है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, हर किसी को एपिक गेम AAA टाइटल नहीं दे सकता है। जिन लोगों ने भी एपिक पे AAA टाइटल मिस की हुई है, वो लोग एपिक से हमेशा शिकायत करते रहते हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ, अब एपिक हर साल अपना बजट कम करता जाएगा, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस होने के कारण लोग गेम्स को खरीद रहे हैं, जिससे एपिक का ही फायदा हो रहा है। बट वो फ्री गेम से रिलेटेड हमेशा ही कम करता जाएगा, क्योंकि अब एपिक एक भी AAA टाइटल फ्री में दे देता है तो एपिक स्टोर का काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी कारण एपिक गेम अपना बजट हर साल कम करता जा रहा है। बट मैं आपको बता देता हूँ, मिस्ट्री वर्ल्ड गेम का बजट पिछले साल से ही कम होता गया, बट दिसंबर का जो टाइम होता है, इस टाइम में एपिक गेम सबसे ज्यादा बढ़िया टाइटल देता है। बट मैं आपको बता देता हूँ, दिसंबर में भी एपिक से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इस साल तो गेम कुछ खास आई नहीं है। शायद हो सकता है इस बार भी दिसंबर गेम्स की बजट कम हो गया हो। और मैं एंड में यही बता देता हूँ कि एपिक गेम से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखी तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, और जो गेम क्लेम कर चुके उस गेम को खेलने का मन भी नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानना है ईए को क्यों लोग हेट करते हैं तो राइट वाली वीडियो देखिए। अगर आपको लो एंड पीसी गेम्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखिए। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।